चुनाव प्रचार अब कुछ ही घंटे में थमने वाला है, और जिस तरीके से हमने कांग्रेस और जदयू ऑफिस से आपको दिखाया, उसी तरीके से अभी हम AIMIM ऑफिस में आ गए हैं। यहाँ पे एक विवाद और एक वादे पे बात करेंगे। इस चुनाव में जो पार्टी से रिलेटेड सबसे बड़ा विवाद रहा और पार्टी जो सबसे बड़ा प्रॉमिस कर रही है, उस पर हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, महिला जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया इत्यादल मजलिस इत्यादल मुस्लिमीन की महिला जिला अध्यक्ष हूँ मैं, यहाँ किशनगंज से। मेरा नाम मोहम्मद वसीद आलम, जिला युवा महासचिव। डॉक्टर अमित कुमार, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, बिहार प्रदेश अध्यक्ष। मैं यजदान वैसी हूँ। आप वोटर हैं? जी, वोटर हूँ इस समय। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 28.5 साल। आपका जो सबसे बड़ा वादा है इस इलेक्शन में 371 का, तो आपके अगर यहाँ से उम्मीदवार जीतते हैं, सांसद बनते हैं, तो आप ये वादा कर रहे हैं कि 371 लागू पूरे सीमांचल में किया जाएगा, सिर्फ किशनगंज में ही नहीं, सही है? जी बिल्कुल। क्या स्ट्रेटजी है इसकी? स्ट्रेटजी ये है कि 371 आने के बाद एक स्पेशल इकोनॉमी पैकेज इसमें दिया जाएगा, जिस जो कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में इसका पेशी किया है, इसको प्रपोज किया है, क्योंकि हमारा सीमांचल अभी थोड़ा बीमार सीमांचल है, तो इसे एक 371 का दर्जा मिलना अति आवश्यक है। आप क्या कहेंगे इस 371? इंशाल्लाह, अख्तर उलमान साहब ने शुरू से ही कहा कि हम धारा 371 के तहत लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर सांसद तक, और हम सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं, और जब अख्तर साहब सांसद बनके सांसद में लड़ेंगे और हम कार्यकर्ता सड़क पे लड़ेंगे धारा 371 के तहत। स्ट्रेटजी क्या है लड़ेंगे वो तो फिर आगे हम पूछते हैं, पहले अभी स्ट्रेटजी क्या है कि ये किस तरीके से लागू करना चाह रहे हैं? सीमांचल के सीमांचल पूरे सीमांचल क्षेत्र में जो बदहाल समस्याओं का सीमांचल है दरअसल ये, तो हम लोग चाहते हैं जैसे बंगाल के कुछ हिस्सों में है, हैदराबाद के कुछ हिस्सों में लागू है, तो हम लोग भी उसी के तहत चाहते हैं कि सीमांचल जो ये सीमांचल का क्षेत्र है ये यहाँ पर धारा 371 लागू हो, और उसी के तहत हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या क्या फ़ायदा होगा उससे? इससे जैसे कि यहाँ पर जो आर्थिक पैकेज मिलेगा वहाँ से केंद्र से, और स्पेशल पैकेज मिलेगा केंद्र से, और जो यहाँ पर पुल पुलिया स्कूल कॉलेज अस्पताल, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं जो हल हो सकेगा उसका। अच्छा, जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप स्ट्रगल की ही बात कर रहे हैं 371 को लेकर, तो वो तो बिना सांसद बने भी स्ट्रगल कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर दोनों चीज़ें साथ हो जाएं, एक अच्छा इंसान जाकर के इस चीज़ को पार्लियामेंट में रखेगा, तो शायद हमारी सुनवाई ज़्यादा जल्दी हो जाए, क्योंकि लोग जल्दी सुनते नहीं है पार्लियामेंट में। वरना सीमांचल इतने दिन से बीमार नहीं पड़ा होता, टूट रोड के ये हालात नहीं होते, लगता है कि हम पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं हम। एक जो सबसे बड़ा विवाद जो मुझे नज़र आया, दो चीज़ें हैं, मैं दोनों को एक साथ दोनों पर बात करना चाहूँगा, ठाकुरगंज और पोठिया में, और मुझे लगता है और सभाओं में ये जिक्र हुआ होगा। आपके उम्मीदवार जो अख्तर उलमान साहब, वो बार बार कह रहे हैं कि मौलाना असरार उल हक कासमी को कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक पर बोलने नहीं दिया, इसी सदमे में शायद वो कह रहे हैं कि शायद उनका एक, क्योंकि मौत की वजहें कई हो सकती है, तो इस सदमे में भी शायद मौत हुआ होगा, ये कैसी सियासत है? आप लोग किसी की मौत पर कैसे सियासत स्टार्ट? जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि मौलाना साहब का एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि मैं बोलना चाहता था, मुझे कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया। आपने बार बार कई लोगों ने उनको पूछा, और उस सवाल आने पर मौलाना साहब का चेहरा उदास होता था। तो मामला यह है कि हम उनका मौत पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दुख था इस मामले में, चाहे इलेक्शन हारने के बाद भी इतना दुख नहीं था मौलाना साहब को जितना दुख उनको शरीयत पे नहीं बोलने देने पर था। उसके बाद मैंने उनका इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने पूरा डिफेंड किया अपने स्टैंड को, कि राज्यसभा में रुक सकता था, हमने राज्यसभा में कोशिश की, लोकसभा में रुक नहीं सकता था, हमने कोशिश नहीं की। तो ये फिर जब वो क्लियर है, किसी तरह का सदमा नहीं था, आप लोग कौन होते हैं कि किस तरीके से मौत हुई नहीं हुई इसको पॉलिटिक्स करने की? मैं बताती हूँ, देखिए बात दरअसल ये है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल में घर कर जाती हैं, जो चीज़ें आप नहीं बोल पाते हैं या उनको बोलने से रोक दिया गया। उन्होंने अपनी वीडियो में ये बात बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल जाहिर किया है कि मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे मौका नहीं मिला, ये उनके जहन में था, और इस बात से वो बिल्कुल डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो घर कर जाए अगर, तो फिर इंसान धीरे धीरे अपने अंदर ही। आपके पास कोई सा रिपोर्ट है? आप डॉक्टर हैं, आप इस तरह की बातें करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता सकती हूँ कि जब इंसान की जो मानसिक जो दुखद जो परिस्थिति में वो रहते हैं, जो सदमा उनको लगता है, वो सदमा ऐसा खतरनाक होता है कि उससे आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपका नर्वस सिस्टम भी ब्रेक हो सकता है। पार्टी से कब से जुड़े हैं? मैं बहुत पहले से हूँ, मैं विधानसभा प्रत्याशी रानीगंज रडिया रहा हूँ। डॉक्टर अमित पासवान मेरा नाम हुआ। जो 371 की बात हो रही है सर, उसमें पूरे सीमांचल की बात हो रही है, तो आपका रडिया भी उसमें आएगा, आप इससे कितना कन्विंस हैं कि ये हो सकता है, मुमकिन है? ऐसा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है और ना होने का कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि रिप्रेजेंटेटर जब तक आपका नहीं होगा हाउस में, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, पॉलिसियाँ तब इम्प्लीमेंट होती हैं जब प्रेशर ग्रुप बनता है। पॉलिटिक्स में प्रेशर ग्रुप का इम्पॉर्टेंस है,
जिस तरह से फैमिली में जब गार्जियन होता है उसमें कई मेंबर्स होते हैं, उनकी जो बहुत सारे मेंबर्स की ज़रूरतों को इग्नोर करता है जब गार्जियन, जब प्रेशराइज करने वाले मेंबर्स जब होते हैं तो गार्जियन उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। ये पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जब तक ये सीमांचल एक बहुत बड़ा इलाका है, और ये जो 371 का जो मामला कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है, ये सिर्फ ये सीमांचल के लिए नहीं है, काइंड्स ऑफ स्टेट्स में 9 स्टेट से ज़्यादा हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। इसके 2-3 इम्पॉर्टेंट खास करके यहाँ पे कारण्स बनते हैं। नंबर वन, कि ये पूरा इलाका जो है दलित पिछड़ा इलाका है, दलित और माइनॉरिटीज, ये हमारा दो चीज़ बनता है। सबसे पहले कि माइनॉरिटीज प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 28 और 30 के तहत में माना गया है, जो हमारे लिए, उसके लिए भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट खोल सकती थी, लेकिन इसके रियल रिप्रेजेंटेटर आज तक आज़ादी से लेकर अब तक नहीं हो पाए, जिसका भुक्तभोगी सीमांचल की जनता हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, आप देखेंगे कि पूरे सीमांचल में एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्लियामेंट हुआ करता था। पूर्व में एक यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग थे और अररिया से जीतते थे। आप जानते हैं उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या था, उसने शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो पार्लियामेंट में बनती है, देखो साहब ये जो चुनाव है ना, किशनगंज जो लोकसभा का जो चुनाव है, ये पार्लियामेंट का चुनाव है सर। पार्लियामेंट से नीति बनती है, पूरे देश में इम्प्लीमेंट होता है। तो हम चाहेंगे कि 371 का जो मामला है सिर्फ गवर्नमेंट में हम आएंगे तो ही नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारा मजबूत प्रतिनिधित्व अगर किशनगंज से जाता है तो पूरे सीमांचल का विकास संभव है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। अगर नहीं जाता है, अगर नहीं जीत पाते तो फिर लड़ेंगे आप? ये तो नेचुरल है, बट नेचुरल इस तो सवाल का जवाब नहीं सर। आप खुद पत्रकार नहीं, घर बैठ जाएंगे, आप खुद पत्रकार हैं, इस पर बोलने की जरूरत नहीं है भाई, नेचुरल है। आप जानते हैं क्या हो सकता है, युवा सब AMIM के लिए सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इतने एक्टिव है कि पोस्ट किसी भी बात पे हो रही हो, कोई भी कुछ कर रहा हो, मैंने कल एक पोइट्री डाली उसमें ओनली AMIM लिखा आ रहा है, ये कैसी स्ट्रेटजी, क्या हर एक जगह आप लोग AMIM की चर्चा? क्योंकि हमें जो हक मिलनी चाहिए वो हक नहीं मिलती इसी के कारण। तो आप हर एक सोशल मीडिया पे मतलब कुछ ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड नहीं है कि हर एक जगह AMIM लिख दिया आपने? नहीं मैम, तो लिखना जैसे आप भी लिखते हैं? जी मैं भी लिखता हूँ सर, क्योंकि पोस्ट कुछ भी हो ओनली AMIM लिखते हैं। नहीं नहीं, मैं तो शुरू से ही, जब से ओबीसी साहब हमारे यहाँ सीमांचल में आए हैं, सबसे मैंने अपने नाम के आखिर में यजदान ओबीसी जोड़ा हूँ। अच्छा। मुझे ख्वाहिश है नाम ही बदल लिया, मैं उस जैसा बनाऊँ। जी जी, मैं सारा जितना भी है मेरा हर चीज़ में यजदान ओबीसी राष्ट्र में जोड़ा हूँ। ओबीसी जी मोहब्बत उरूज पर पहुँचा है, इंशाल्लाह तआला मैं हक और सच के लिए हमेशा लड़ूंगा। जी चलिए, तो ये अभी हम AIMIM के किशनगंज दफ्तर में है, यहीं से पूरी प्लानिंग हो रही है अख्तरुलईमान की इलेक्शन की। यहाँ पे आपने देखा कि 371 के लिए बिल्कुल पार्टी यहाँ पे तैयार है, कार्यकर्ताओं में उसको लेकर जोश भी है।